हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे अमेज़ोन से प्रोडक्ट्स को अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे amazon.in खोलिए और उस पर अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाइए। अगर आपने नया अकाउंट नहीं बनाया है तो वहाँ बनाइए एक नया अकाउंट। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स, जब आप अपने नाम के ऊपर और ये जहाँ पर योर ऑर्डर्स लिखा है यहाँ पर होवर करेंगे तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, योर अकाउंट्स लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कीजिए। अगला जो पेज है फ्रेंड्स, आपके अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स दिखाएगा और बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा। इसमें आपको पेमेंट ऑप्शंस में जाना है। ये जो पेमेंट ऑप्शंस का पेज है फ्रेंड्स, ये आपको पूरे पेमेंट मेथड्स दिखाएगा आपके जो भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पहले से ऐड हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ अमेज़ॉन पे शॉपिंग करने के लिए। अगर फ्रेंड्स आपके अकाउंट पे पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड नहीं है और आप नए तरीके से कोई कार्ड को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ऐड अ न्यू कार्ड लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और आपके कार्ड में जो भी नाम प्रिंटेड है उसको यहाँ पर एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 16 डिजिट का कार्ड नंबर जो आपके कार्ड पर प्रिंटेड है उसको ऐड कीजिए। साथ साथ में आपके कार्ड में जो प्रिंटेड एक्सपायरी डेट है उसको एंटर कीजिए। जैसे समझ लीजिए, हो सकता है आपके कार्ड में अगस्त 2020 एक्सपायरी डेट हो आपके कार्ड की, तो उसको एंटर कीजिए। ये तीन चीज़ों को जब आप एंटर कर लेते हैं तो ऐड योर कार्ड पे क्लिक कीजिए और आपका कार्ड इस लिस्ट पे ऐड हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं इस टाइप की लिस्ट में दिखाने लगेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये बताना चाहूँगा कि आपके कार्ड के पीछे एक कार्ड सिक्योरिटी कोड या फिर CVV कोड प्रिंटेड होता है 3 डिजिट का, उसको अमेज़ॉन अभी कार्ड ऐड करते समय आपसे नहीं मांगता, पर वो कार्ड का जो CVV कोड है वो तब मांगेगा जब आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने कार्ट में पहले से 26 प्रोडक्ट ऐड करके रखे हुए हैं। ये देखिए, ये बहुत सारी बुक्स है NCERT की, ये बुक्स को मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और इनकी टोटल जो कीमत है वो 1,802 रुपये है। ये जो अगला पेज है उसमें जाने के लिए मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करूँगा और ये जो अगला पेज है वहाँ पर आपको जो आपकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो लिस्ट है यानी कि जो पेमेंट ऑप्शंस है वो दिखाएगा। तो चलिए प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद अमेज़ॉन ने कुछ डिलीवरी एड्रेस वगैरह पूछा मेरे से, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब अपन डायरेक्ट जो अपने इस वीडियो में काम का पेज है उस पर आ गए हैं, सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी कार्ड आपने एंटर किया है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए क्योंकि उसी कार्ड से अब आप पेमेंट करेंगे अमेज़ॉन को, वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, जो भी हो। उसके पीछे एक कार्ड सिक्योरिटी कोड छपा होगा 3 डिजिट का, उसको आप यहाँ पर एंटर कीजिए। आपका कार्ड सिक्योरिटी कोड 3 डिजिट का जो भी हो सकता है वो आप यहाँ पर डालिए सही तरीके से और उसके बाद फ्रेंड्स आप ये जो है कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, मैं कार्ड सिक्योरिटी कोड डाल देता हूँ और ये कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। एक बार जब आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फाइनल चेकआउट पेज पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने ऑर्डर को एक बार वेरीफाई कर लीजिए और देख लीजिए कि आपने जो जो सामान अपने कार्ट पे ऐड किए हैं या आप जो ख़रीदना चाहते हैं वो है कि नहीं वहाँ पर और उनका रेट वगैरह क्या है। साथ साथ में आप अपना डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस ये दोनों को भी वहाँ चेक कर लीजिए कि सही तरीके से है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको फिर से एंटर कर लीजिए या फिर पहले से अगर आपके अमेज़ॉन अकाउंट में एड्रेसेस ऐड हैं तो उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद जब आप फाइनल कंटिन्यू टू चेकआउट या फिर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफाइड बाय वीज़ा या मास्टर कार्ड का एक पेज दिखेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ वो पेज। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रोसीड टू चेकआउट या फिर प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, ये मेरे को मास्टर कार्ड की जो सिक्योर कोड है उस पर लेके आया। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपका कार्ड वीज़ा का हो तो उस केस में आपको इसी टाइप के कुछ पेज में वीज़ा के लेके आएगा। हो सकता है आपका रुपे कार्ड हो तो उस केस में आपको इसी टाइप का कुछ
पेज पे लाएगा रुपे कार्ड के। तो यहाँ पर मेरा मास्टर कार्ड है, तो ये मास्टर कार्ड के सिक्योर कोड के पेज पे लाया है। अब यहाँ पर जब तक मैं अपना मास्टर कार्ड सिक्योर कोड का जो पासवर्ड है वो नहीं डालूँगा, तब तक जो मेरा बैंक है वो पेमेंट को ऑथराइज़ नहीं करेगा और अमेज़ॉन के पास नहीं भेजेगा। या फिर फ्रेंड्स, अगर समझ लीजिए आपने मास्टर कार्ड सिक्योर कोड का पासवर्ड पहले से सेट नहीं किया हुआ है, तो फिर आप आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर आप एक वन टाइम पासवर्ड मंगा सकते हैं। तो जो भी है, आपको अगर मास्टर कार्ड सिक्योर कोड पासवर्ड यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कीजिए, या फिर अगर आपको अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड OTP भी मंगवाना है तो उसको कीजिए। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो जो अगला पेज है फ्रेंड्स वो अब OTP भी मांगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिखा है सक्सेसफुली सेंट द वन टाइम पासवर्ड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक कीजिए, उसमें आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो 6 या 7 डिजिट का या 8 डिजिट का ऐसा कुछ रहता है। जो भी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आया रजिस्टर्ड में उसको आप एंटर कीजिए। इनकेस अगर आपके इसमें मोबाइल पर नहीं आया तो आप रीसेंट OTP कीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो बैंक फिर से आपको OTP भी भेजेगा, उसको आप डालिए और सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। एक बार जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो बैंक का जो सर्वर है वो आपके वन टाइम पासवर्ड को वेरीफाई करेगा कि आप ही वो उसके ग्राहक है कि नहीं, या फिर जो आपने OTP डाला है वो सही है कि नहीं। एक बार अगर वो वेरीफाई हो गया तो आप वापस अमेज़ॉन पे चले आएंगे और वहाँ पर आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।